कहानी को मिला बड़की दीदी के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत। ईरावती की सच्चाई आएगी सबके सामने। जी हाँ, क्या होगा शो नमक इश्क के आने वाले एपिसोड में, चलिए हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कहानी जो है वो अकेली हो गई है और वो अकेली ही बड़की दीदी का पर्दाफाश करने के लिए तैयार है। कहानी सच पता करने के लिए भेस बदल कर जाती है वकील के घर जहाँ आग लगी थी। वहाँ से उसे मिलता है एक बहुत बड़ा सबूत। जी हाँ, कहानी के हाथ लगती है बड़की दीदी की फाइल जिसमें होते हैं सारे सबूत। इधर बड़की दीदी जो हैं वो वकील को ब्लैकमेल करती हैं। वो कहती हैं कि अब कहानी तो यहाँ नहीं है तो सारी जायदाद के जो पेपर्स हैं वो मेरे नाम पर तुम बनवाओ। पर वकील कहता है कि तुम जो कहोगी मैं वैसा ही करूँगा, पर मेरी एक शर्त है, मुझे कहानी की माँ और बहन के ज़िंदा होने के सबूत चाहिए। ईरावती जो है वो अपने गुंडों से कहती है कि कहानी के जैसी कोई माँ और बेटी को ढूंढो। ईरावती के पास कहानी की माँ और बहन नहीं है और वो रवि कांत और वकील से झूठ बोल रही है। इधर रूपा पुलिस स्टेशन जाकर रौनक को छुड़ा लेती है। रूपा ऐसा सिर्फ कहानी के लिए करती है। वहीं दूसरी तरफ कहानी को बड़की दीदी के खिलाफ मिल गया है बहुत बड़ा सबूत। अब क्या कहानी साबित कर पाएगी अपनी बेगुनाही, ये तो देखना होगा आने वाले एपिसोड में। वेल, आपका क्या कहना है बताइएगा ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में, और इसी तरह की अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहिए हमारे चैनल फीफा फूस टीवी को। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।